सो आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ एक शूट पर, और वो शूट बहुत ही कमाल का होने वाला है। एक एक्चुअली मेकअप शूट है, तो उसके लिए मैं निकल रहा था, और अभी मैं थोड़ा बहुत रेंडरिंग पर लगा रहा था अपने प्रोजेक्ट्स। मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, इसमें बस मेमोरी कार्ड डालना है, क्योंकि मेमोरी कार्ड पे अभी तक पैक नहीं हुआ, बाकी सारा सामान पैक हो चुका है। और ऑलरेडी मैं 5 मिनट लेट हो चुका हूँ, तो चलो जल्दी से निकलते हैं और फिर वहीं पहुँच करके मैं ब्लॉग करता हूँ, क्योंकि दुर्गेश आ चुका है, बाकी सारे मॉडल्स रेडी हो रहे होंगे, तो मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं ना लेट हो रहा हूँ, और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और कहीं बारिश होगी तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। ओके फाइन, ये आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज का ब्लॉग का मैं स्टार्टिंग कर चुका हूँ। यस, और मैं सबसे पहले एक सबसे हैंडसम चेहरा दिखाना चाहता हूँ आज के ब्लॉग में। ये हर बार ये मेरा कैमरा लेकर के चला जाता है। एक बजे तक कभी नहीं पाऊँ। हर बार का यही चीज़ है। ठीक है। एक को। हाँ? एक बजे तक एक को। ठीक है, डन। एक बजे तक ये मॉडल्स को रेडी कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। अभी हर्षित बिहाइंड द शूट करने जा रहा है, बिहाइंड द सीन शूट। ओके, तो हम लोग इससे आज पूरा ब्लॉग करने वाले हैं। ओके, हाँ ये लो। और भाई मैं जब निकला था तब बहुत तेज बादल निकले बादल थे, और फिर जब मैं यहाँ आया तब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही एंट्री लिया थोड़ा भीग गया, येलो सब बीता है। कूल, चल। मतलब हम अपना कंटेंट भी ना शूट कर कॉफी पी के मर जाओ। इसने बोला था, मैंने बोला था यही कल तुम। ये मेरे को हर्षित बोल रहा था भैया कि ये जो तुम लिख रहे हो, इसने कल फिर यही लिखा था। मैंने था कल देखने लिख के ले लो, अगर साथ में ये भैया यही पूछेंगे कि बॉन्ड है। ऐसा ही बोल रहे, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा कॉफी पी के मर जाओ, मतलब इतनी टेस्टी और या इतनी पसंद होती है जिन लोगों को। काफी दुख है इस इंसान को। आज यार ऋषि का बर्थडे और वो यहाँ अपने घर है, मुझे बहुत दुख लग रहा है। पार्टी देनी चाहिए थी। पार्टी नहीं मिली इसलिए इसको दुख हो रहा है। भाई देखो इधर मस्त बारिश हो रखी है, और मैंने ये छूटे। ओ, 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 ये देखो काफी सारी बारिश हो रखी है। मुझे लगता है कि हमें काफी सारे पानी से होकर के जाना पड़ेगा। शिट, देखो शिट। हाँ, इनकी मेहनत है। ये सेटअप मैंने किया, ये मैंने किया है गाइस, ये मेरा आइडिया है। ये बैकड्रॉप खरीदा मैंने, लाइट स्टैंड, बैकड्रॉप स्टैंड सब खरीदे मैंने, लेके मैं मेहनत की। जो बोल रहा है, मैंने इसको सपने में आइडिया दिया था। हाँ, सपने में। हेलो मैम, फाइनली इसने मुझे ऐसे व्यूअर बना हुआ दिखाई दिया। देखो मैं कितना ज़्यादा एक साथ सामान लेकर के चल सकता हूँ। Let's go guys। कभी हम जा रहे हैं लाइक थर्ड फ्लोर पे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं शूट करने, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी स्पेस है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, रेयर यूज होती है, रेयर। चलो चलो, लिफ्ट बंद हो गए। सॉरी, ये सारे बैग्स और ये सब। सो फाइनली वी हैव क्रिएटेड अवर सेटअप हियर। ये रहा हमारा सेटअप। अभी इसमें हमें लग रहा है कि शायद थोड़े से फूल और डालने चाहिए। ये देखो जो ये फूल लगे हुए हैं, ये इसमें सोच रहा हूँ थोड़े से और होंगे तो थोड़ा ज़्यादा इनहेंस हो पाएगा और थोड़ा सही लगेगा। अभी हमने ये सेटअप कर रखा है, डिसेंट सा सेटअप है। अभी देखना है यहाँ पर जो शूट होगा वो, उसके आप लोग रिजल्ट देखना इंस्टाग्राम पे जाकर के, शायद सलोन के पेज पे, या फिर प्लेबैक पिक्चर्स पे थोड़ा और डिले से आएंगे तो आप लोग वो आप लोग देख सकते हो जाकर के, और बहुत मस्त रिजल्ट आएंगे। फोटोज कौन खींच रहा है, वीडियो कौन बना रहा है, मैं। इसलिए तो फिर बस देखते रहो, और ब्लॉग भी मैं ही बना रहा हूँ, ये भी बढ़िया बनेगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन हूँ मैं। सो फाइनली वी आर ऑल सेट। ये रहा कैमरा, और ये इसका लाइव कंट्रोल। मैम ये आपके लिए, प्लीज ये आपकी चेयर है, पहले से ही। फाइनली हमारी पहली मॉडल आ गई है और हम लोग शूट करने जा रहे हैं। मैम यहाँ पे बैठी है एज अ ज्यूरी।
हां सर ने बोला था नहीं वो नहीं होगा, कह रहा शूट हो जाने तो बस देख रहे हैं, देखे रहना बस। अच्छा ओके हां सही है ना, इस साइड चला बड़ा है। कैसा जा रहा है मैम शूट? अच्छा जा रहा है, आई थिंक नथ की वजह से वो और एनहांस कर गया। आखिर हम लोग प्रेजा की ज्वेलरी जो यूज कर रहे हैं ना, आफ्टर ऑल और क्या सी अच्छी आ रही है बच्चे सब। ये अंकित सर इसका अंकित सर देखो मैं ये गलत बात है ना, आप तो मेरी साइड में हो गए, ये लोग एक साइड हो गए हैं। तू कैसे बोल रहे हो, वो तो स्टाइलिस्ट है ना। तभी तो ये बोलेंगे ना कि मैं स्टाइलिस्ट के लिए कर रहा हूं दुर्गेश। नहीं ये हमारे स्टाइलिस्ट सैलून के सितारे अंकित शर्मा जी। सो फाइनली हमारा शूट सेकंड पे आ चुका है और हमने बहुत महंगा डीजे वाला बुलाया हुआ है। ये आए हुए कहाँ से आए हुए मैम बताएंगी, कहाँ से आए हुए मैम? कनाडा से आए। कनाडा से आए हुए बहुत महंगे, एक दिन का 2,00,000 रुपए चार्ज करते हैं, देख रहे हो शूट चल रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम जिसने बहुत मेहनत की है। ये एक वेस्टर्न लुक है, इंडो वेस्टर्न एंड एक गाउन लुक। प्ले बाय पिक्चर्स, मैंने अपने ब्लॉग्स बनाने के लिए सिस्टम रखा हुआ है। मैं बहुत महंगा हूँ, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जल्दी जल्दी करो अर्शद, इतना ही पैसा मिलेगा तुमको। हाँ मालिक तो नहीं आई, ये बंदा मेरे ही कैमरा लेकर के मुझे ही रंगबाजी दिखा रहा है। ये देखो भाई, अभी हम लोगों का लाइक सिंगल सिंगल सब सारे मॉडल्स का शूट हो चुका है, अभी हम लोग ग्रुप शूट की तैयारी कर रहे हैं। ये रहा हमारा सेटअप और सारे मॉडल्स सेट हो रहे हैं, और अभी हमने यहाँ की सारी लाइट्स जला के रखी हुई है। देखो लाजवाब रहा। फाइनली वी आर डन फॉर द शूट, अभी शूट हो चुका है आज का। सबको बुझा दो आए। ये देखो थके हुए मॉडल्स, और आज और अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया। लंच की है। हाँ अब ये खुशी लंच किया, ये बेचारे 4 घंटे से भूखे बैठे, जो भी ड्रेस पैक कर रहे हैं। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें शूट खत्म करना था। कोई बात नहीं, हमेशा खाने के लिए मरता रहता है। मैंने बोला ही नहीं खाने के लिए। कोई बात नहीं, सबको कैसा लगा मेरी मेहनत? मैंने इतनी मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत इनकी है। प्लीज इनको हाईलाइट करवा दे रहे हैं, बेचारे तौलिया वालिया हटा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ये पूरा सेटअप इन्होंने ही रेडी किया है गाइस, देख लो कितनी मेहनत लगी है सेटअप में। ओके थैंक यू अर्पण सर, थैंक यू अंकित, बहुत अच्छा काम तुमने किया। और अंकित को 104 फीवर भी है, वो फिर भी शूट के लिए आए। 104 फीवर में तुम शूट कर रहे हो, तभी तो मास्क वेरी गुड ऑफ हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल, बहुत अच्छा काम किया आपने। बिल्कुल नहीं, वर्षा रील्स बहुत अच्छी, स्टोरी बहुत अच्छी बनाती है, सबने सबने बहुत मेहनत। जस्ट शूट खत्म होते हैं, हमारे मॉडल्स को लगी है काफी ज्यादा भूख और प्यास। ये देखो भाई, अब बताओ अभी तुम कह रहे थे कि मुझे भूख ज्यादा लगी, अब खाने वाले कौन आया? देखो मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे को भूख नहीं लगी। अरे झूठ बोल रहा है, वो किसकी प्लेट है भाई? सबसे पहले खाना यही है, मैंने तो पूरा खाने यही सबसे पहले आया है। मैंने सिर्फ अपना पूरा अभी तक सिर्फ सेटअप समेटा है, बहुत बड़ा सेटअप था, सब एक एक करके समेटा है, पर मैं अब आया हूँ। तो भाई अभी तो हमारे कैमरे के, इस वाले कैमरे का एक बटन ही खराब हो चुका है, जो कि क्योंकि बहुत टाइम लेता भाई इसको ऑन करने के लिए। देखो यार बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, तो इसी के साथ हम लोग सोच रहे हैं अब इस ब्लॉग को एंड करें। आज का शूट काफ़ी अच्छा रहा, बहुत स्ट्रेस वाला भी था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शूट था। एक बार बाहर से स्टाइलिस्ट को भी दिखा दो लोकेशन। ये रहा स्टाइलिस्ट सैलून, ये रहा स्टाइलिस्ट,
और मैंने आधा पैक कर लिया है, आधा दो तीन मेरे बैग्स उधर रखे हैं, बाकी अंकित साड़ीज के बैग्स हैं जो कि वापस करने जा रहा है। तो मैं अंकित साड़ीज को देने जा रहा हूँ कपड़े, मैं जाऊँगा अपने घर को फिर आराम करने। हाँ, और यहाँ पर मैं ऑडियो लगाऊंगा महेश दलिये। तो फ्रेंड्स, आज फिलहाल का तो शूट हो चुका है और अभी बज चुके हैं लगभग 7:30 बज चुका है। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ। आई एम लिटरली डेड टायर्ड और मैं अभी इस कैमरे को देख रहा था क्योंकि इसकी लिटरली एक रिकॉर्डिंग बटन काम ही नहीं कर रही है। मैं सोच रहा था कि स्विच कर देता हूँ किसी और बटन से रिकॉर्डिंग बटन को, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं तो अभी देखता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। फिलहाल आज का शूट बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग देख के भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में ऐसे ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।